पंजाब में आज अदालतों में लोक अदालतें लगाई जा रही हैं, जिसके तहत मोगा में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लंबे समय से लटक रहे सैकड़ों केसों का निपटारा किया जाएगा। मोगा में 15 बेंच लगाए गए, जिनमें बैंकों के कर्जों, बाउंस टैंकों के मामले, पारिवारिक झगड़ों के मामले, एक्सीडेंट क्लेम आदि के केसों को आपसी मिल बैठ कर निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। इन अदालतों में किए गए फैसले दोनों पक्षों को मंजूर होने पर ही खत्म किया जाता है और इन अदालतों में किए गए फैसले के आगे किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। इस मौके सेशन जज एस के गर्ग ने बताया कि लोक अदालतों से अदालतों में पड़े लंबे केसों को जल्दी निपटाने का मौका होता है। 15 बेंच लगाए हैं, जिसमें से लोकल मोगा में 7 बेंच हैं, 2 बेंच हमारे हैं बाघा पुराना और निहाल सिंह वाला सब डिवीजन पे, एक बेंच लगाया है DTO साहब ने अपना, एक हमारा परमानेंट लोक अदालत है जो होल ऑफ द ईयर चलती है। इस तरह हमने ये 15 बेंच लगाए हैं अलग अलग जगहों पे, रेवेन्यू का अलग है। तो सर और एक और बताना चाहता हूँ मैं, 5/11/16 तक जब से हमें ये इंस्ट्रक्शन आई, ये नेशनल लोक अदालत की डेट फिक्स हुई, फ्रॉम दैट डेट टिल 5/11/16 हम 350 केस ऑलरेडी सेटल कर चुके हैं।